इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कानावनी इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एकाएक वहां बसी हुई झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग लग जाने से वहां भगदड़ मच गई। इतना ही नहीं, आग फैलते हुए नजदीक में ही बनी एक गौशाला तक पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक आग की चपेट में आने से 49 गायों की मौत हो गई। वहीं आग लगने के मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने गाजियाबाद जिला प्रशासन को तत्काल बचाव कार्य पीड़ितों की मदद के लिए निर्देश दिया है। वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने मौके का जायजा लिया है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित कनावनी इलाके में गौशाला में आग लगी है। आग लगने का कारण बताया जा रहा है झुग्गियों में आग लगना। झुग्गियां आपके सामने हैं, हालांकि वो झुग्गियां अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर परिवार रहा करते थे। लगभग 30 से 40 परिवार यहाँ रहा करते थे जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे। ये वो जगह है जहाँ पर तमाम झुग्गियाँ थी जिनमें बताया जा रहा है पहले आग लगती है, आग विकराल रूप धारण करती है और उसके बाद आगे जो आप इमारत देख रहे हैं उसके पीछे गौशाला थी जहाँ पर 50 से 55 गाय रहती थी। उनको पाला जाता था, लोग खुश थे, घरों से आते थे, यहाँ पर रोटी दिया करते थे गायों को, लेकिन वो गौशाला अब नहीं है। यहाँ पर आग लगी है, पूरी तरीके से गौशाला जमींदोज हो गई है और साथ ही साथ ये जो झुग्गियां हैं जहां पर यहाँ लोग रहा करते थे वो भी अब पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। आप यहाँ रहती थी क्या? ना। कहाँ रहती हैं? मैं अकला। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ सामान खोज रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ रहते थे? कितने लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 300 आदमी रहते। और अब ये पूरी झुग्गियां जल गई हैं? हाँ। कितनी झुग्गियां थी यहाँ पे? यहाँ पे 100 झुग्गियां थी। तो क्या किराया दिया करते थे यहाँ पर रहने का? यहाँ पे ठेकेदार था किराया देते। किसका प्लॉट है ये? ये पता नहीं। यहाँ पर झुग्गी पे किसी का किराया दिया करते थे? किराया? हाँ, वो किराए पे ले रखा था, ठेकेदार था वो। अच्छा, जो लोग यहाँ रहते थे क्या करते थे काम? यही कूड़े का काम करते। आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम बंगाल के रहने वाले। बंगाल से? कुछ लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं, कुछ लोग असम से भी हैं। हाँ हाँ। और कहाँ कहाँ से हैं आप? बस आसाम और बंगाल। तो से उनके आधार कार्ड वगैरह सब बने हुए थे? सब जल गए, सब कुछ, सब कागजात वगैरह सब बने हुए थे? सब जल गए, सब बने हुए थे। सब कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ पे 4-5 साल। तो 4-5 साल से यहाँ पर झुग्गियाँ थी और झुग्गियाँ पूरी तरीके से अनऑथराइज थी क्योंकि यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं उनका किराया लिया जा रहा था, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से झुग्गियाँ जलकर राख हो चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार इंडिया वॉइस चप्पे चप्पे पर तैनात है और पूरी तरीके से तस्वीरें दिखा रहा है। आप कब से रह रही थी यहाँ पे? कम से कम तो 15 साल हो गया। अच्छा, कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पर? बहुत झुग्गी थी, कम से कम तो 100 हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। पूरा परिवार रह रहा था आपका? हाँ। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? हाँ। तो क्या किराया दिया करती थी यहाँ पर रहने का? हाँ। ये वो महिला है जो यहाँ पर रहती है अपने परिवार के साथ में और अभी जो यहाँ पर झुग्गियाँ आप देख रहे हैं पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी हैं। यहाँ पर दमकल विभाग मौजूद है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे थे, वेद नागर, इनसे बात करते हैं। वेद जी, झुग्गियां थी यहाँ पर, जलकर राख हो गई, क्या लगता है क्या कारण है आग लगने का? तो कोई अवैध झुग्गियां थी और ये एक साजिश के तहत आग लगाई गई है। पीछे गौशाला, कोई लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे गौशाला चले, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश की सरकार नहीं है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। प्लास्टिक गोदाम में प्लास्टिक गोदाम बनाना पूरी तरीके से बैन है, ये भी प्रशासन लगातार कहता रहा है और इन्होंने भी साफ कर दिया। ये गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर थे, इन्होंने भी साफ कर दिया कि अगर जो दोषी है उन पर जाहिर तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होना लाजमी भी है क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से मनोज ग्राम के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस। महोबा के पनवाड़ी थाना कस्बा क्षेत्र में कानून को